आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। ग्रह से हो जाइए सावधान। जी हां, शुक्रवार दोपहर 1:15 पर सूरज पर लगने जा रहा है ग्रहण। यूं तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन सभी राशियों के जातकों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण संवत 2071 की समाप्ति और नए संवत के आरंभ तिथि में लग रहा है। विक्रम संवत कैलेंडर के आखिरी दिन होगा ग्रहण का साया। आसमान में सूरज पर पड़ेगी चांद की काली छाया। नव वर्ष की शुरुआत से लेकर एक दिन पहले सूर्य पर लगेगा 4 घंटे का ग्रहण। 2:50 के लिए चांद की ओट में पूरी तरह छिप जाएगा सूर्य। दोपहर में ही हो जाएगा अंधेरा। कैसे बच पाएंगे आप? विक्रम संवत 2071 के अंतिम दिन यानी चैत्र मास के अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण कोई सामान्य ग्रहण नहीं होगा, ये खग्रास होगा। खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें कुछ देर के लिए चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेगा। धरती से सूरज को देखने पर सिर्फ उसका कोरोना यानी बाहरी किनारा दिखाई देगा। आपको बता दें कि 20 मार्च 2015 दिन शुक्रवार को सूर्य ग्रहण का आरंभ दोपहर 1:11 से होगा। ये ग्रहण शाम 5:20 तक रहेगा। इस तरह ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे और 9 मिनट की होगी। दोपहर 3:15 पर पूर्ण सूर्य ग्रहण अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस वक्त चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा। खग्रास यह पूर्ण सूर्य ग्रहण की यह स्थिति 2:50 तक बनी रहेगी। पूर्ण सूर्य ग्रहण की एक खगोलीय घटना यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी एशिया के एक बड़े इलाके में देखी जा सकेगी। भारत के किसी भी इलाके में खगोलीय त्रिमूर्ति की इस अद्भुत लुका छिपी को नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि सूर्य ग्रहण के प्रभावों से भारत बचा रहेगा और भारत के लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। असल में सूरज पर चांद की काली छाया आपके स्वास्थ्य, आपके भाग्य, यहाँ तक कि आपकी जेब पर भी असर डाल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य ग्रहण के साथ ही विक्रम संवत का नया साल शुरू हो रहा है, यानी सूर्य ग्रहण का असर आने वाले पूरे साल दिख सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। ग्रह से हो जाइए सावधान। जी हां, शुक्रवार दोपहर 1:15 पर सूरज पर लगने जा रहा है ग्रहण। यूं तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन सभी राशियों के जातकों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण संवत 2071 की समाप्ति और नए संवत के आरंभ तिथि में लग रहा है। ऐसे में आपकी राशि पर क्या होगा इस ग्रहण का असर और कैसे समय रहते आप ग्रहण के कुप्रभावों से खुद को बचा सकते हैं, साथ ही अपने परिवार को रख सकते हैं सुरक्षित, बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुरेश कौशल जी। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सुरेश जी? मेष राशि में संतान और पिता से जुड़े तनाव आपको तंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े तनाव, नौकरी, राजनीति के क्षेत्र में भावुकता के कारण गलत निर्णय लेने की आशंका हो सकती है। शेयर मार्केट, जुए सट्टे और कर्ज के लेन देन इत्यादि और बड़े खर्चों के कारण परेशानी का समय हो सकता है। मानसिक और स्नायु और पेट संबंधी रोगों से जो लोग परेशान हैं उनकी समस्या बढ़ सकती है। पंचमुखी हनुमान के सामने उपाय क्या करने, पंचमुखी हनुमान के सामने 1 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। यदि आपका लग्न भी मेष है तो सभी आर्थिक निर्णय 23 तारीख तक आप टाल दें तथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे इस मंत्र की पूरे 5 माला का जाप जो है पूरे नवरात्र करते रहें। हनुमान मंदिर में बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। ये तो बात हुई मेष राशि की। बात करते हैं वृष राशि के जातकों को किस तरह से बचाव करना चाहिए, उन पर उनकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, वृषभ राशि में थोड़ी लाभप्रद स्थिति का निर्माण हुआ पड़ा है। संपत्ति, वाहन प्राप्ति, जवाहरात और शेयर मार्केट में लाभ मिलते हैं आपको। नौकरी और राजनीति में सफलता के योग बने में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे, परंतु संतान और माता के स्वास्थ्य से जुड़े तनाव भी रह सकते हैं।
कर्ज देने से समस्या हो सकती है, मधुमेह और रपचाक जैसे रोग है उनसे परेशानी हो सकती है। आपको उपाय क्या करने, मछलियों को मीठे चावल खिलाएं, जल में प्रवाहित करें उन्हें, कन्या आश्रम में वस्त्र, चावल, चीनी और शीशे के बर्तन दान दें, दोपहर 1 बजे भगवान शिव का गन्ने के रस से 101 बार अभिषेक करें और पूरे नवरात्रि ये प्रक्रिया करते रहें। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के। मिथुन राशि में अनुज और माथे जुड़े तनाव, इनके कारण मस्तिष्क अस्थिरता हो सकती है। फेफड़ों, एलर्जी और अस्थमा के रोगी विशेष रूप से सावधानी बरतें, मामूली दुर्घटना के योग भी बनते हैं। उपाय क्या करने, शिवलिंग का हल्दी दूध से अभिषेक करें, उत्तर पश्चिम की दिशा में यात्रा टाल दें, गणेश लक्ष्मी मंत्र में सौंफ, मिश्री हरे वस्त्र का दान करें, नवरात्र में पूरे नवरात्र में माँ त्रिपुरसुंदरी का जो है आप जाप करते रहें, जो कि 10 विद्याओं में से एक है। चलिए अब कर्क राशि के जातकों की बात कर लेते हैं, किस तरह से ये अपना बचाव करें और उनके राशि पर होने वाले सूर्य ग्रहण के। जी, ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है, इसलिए कर्क राशि के ऊपर जो है विशेष रूप से जो है छोटे आयु के जो मित्र हैं अनुज जो हैं उनसे धोखा मिलने की आशंका बनी हुई है। शेयर मार्केट, धन संपत्ति मामलों में अस्थिरता का योग है, हानि का योग भी है। नौकरी और राजनीति के क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है चंद्र के निर्बल होने के कारण। निमोनिया, नेत्र और अस्थमा से जुड़े रोग, रक्तचाप से जुड़े रोगों का कारण परेशानी हो सकती है। उपाय के रूप में आपको क्या करना, दोपहर 2 से 4 बजे के बीच 4 मुखी रुद्राक्ष अथवा गौरी शंकर रुद्राक्ष जो भी उपलब्ध हो धारण करें, शरीर के 1/4 वजन का गुड़, चावल, गेहूं, नारियल, उड़द और लाल वस्त्र का दान करें तथा लघु मृत्युंजय मंत्र ओम हो जो सुहा, इस मंत्र की 11 माला का जाप शिव मंदिर में या शिव के सामने बैठ के आप जाप करें। प्रभाव तो चला, हम बात कर लेंगे सिंह राशि की, सिंह राशि पर प्रभाव। जी, इस राशि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि इसके स्वामी सूर्य हैं। सिंह राशि के जातक ग्रहण से विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ग्रहण के प्रभाव के साथ साथ ढैया का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अशुभ संस्कारों के योग, चोरी हग्नि के कारण हानि। दोपहर 11 से 2 बजे के बीच में सरसों के तेल से शिवलिंग का 151 बार अभिषेक करें, अभिषेक करते हुए ओम नमः भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करते रहें, उड़द और गुड़ की रोटी जल में प्रवाहित करें, 3 या 4 मुखी रुद्राक्ष जो भी उपलब्ध है धारण करें, पूरे नवरात्र दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित का पाठ करते रहें। चलिए बात कर लेंगे कन्या राशि की, किस तरह से इन पर प्रभाव पड़ रहा है, ज्यादा या कम ये भी बता दीजिए। जी, कन्या राशि पर विशेष रूप से सप्तम भाव में प्रभाव पड़ेगा, इसलिए प्रेम, दाम्पत्य, व्यापारिक संबंधों में तनाव और विच्छेद के भी आशंका है। झगड़ों को आपसी सहमति से सुलझाएं, ये उपाय है। शराब, नशे, नींद की गोलियों के सेवन से परहेज करें। पैतृक संपत्ति से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनको कुछ समय के लिए टाल दें। दोपहर 11 से 2 बजे के बीच में गणेश लक्ष्मी मंत्र का पूजन करें तथा ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः तथा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मंत्र की 5 माला का जाप करें, पक्षियों को बाजरा, सौंफ मिलाकर खिलाएं। और अब बात कर लेंगे तुला राशि की, तुला राशि के जातकों को किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए। जी, इस राशि के लिए थोड़ा लाभप्रद रहेगा। झगड़े मुकदमों में आपको विजय मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, संतान और माता के कारण धन लाभ के योग हैं, जल्द विवाह के योग, जो विवाह इच्छुक हैं उनके जल्द विवाह के योग बनेंगे। उपाय के रूप में कृष्ण मंदिर में ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इसका स्फटिक की माला से 11 माला का जाप करें। 20 मार्च को दोपहर 11:30 से 1:30 बजे के बीच में ये जाप करना शुभ रहेगा। पूरे नवरात्र दुर्गा सप्तशती के तृतीय चरित का पाठ करें जो सरस्वती से जुड़ा हुआ है, शिवलिंग का शहद दूध से अभिषेक करें तथा गौरी शंकर रुद्राक्ष को भी धारण करें, 11 से 4 बजे के बीच में धारण कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई किस तरह से राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ ही कौशल जी ने आपको बताया किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन कुछ और राशियां बची हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार यानी कि 20 मार्च को होने वाला है सूर्य ग्रहण, ऐसे में कैसे राशियां कर सकती हैं अपना बचाव, बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। कौशल जी, कैसे इस पर प्रभाव पड़ने वाला है और कैसे करें बचाव? देखिए, सप्तशती भी चल रही है, तीव्र तनाव, रक्तचाप, पेट, मस्तिष्क रोगों से जुड़ी समस्याएं, ये सारे तनाव हो सकते हैं। नौकरी को भय, अचानक पिता के स्वास्थ्य में गिरावट का योग, ढैया का प्रभाव भी होने से, द्वितीय ढैया का प्रभाव भी होने से संपत्ति, प्रेम, दाम्पत्य संबंधों में क्रोध के कारण परेशानी। उपाय क्या करने, ओम नमः भगवते आंजनाय महाबलाय स्वाहा, हनुमान मंत्र है, इसकी 11 माला का जाप मूंगे अथवा लाल चंदन की माला से करें, मंत्र जाप करते हुए लाल वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर लाल आसन के ऊपर बैठकर इसका जाप करें, हनुमानष्टक का पाठ भी करें। 2020 तक 13 मुखी हनुमान रुद्राक्ष, हनुमंत रुद्राक्ष है, उसको धारण किया। यानी कौशल जी, हम देख रहे हैं मिला जुला असर है सभी राशियों पर, कुछ के लिए अच्छा है, बुरा भी है और मिला जुला एक रूप है इन सबका। लेकिन अब धनु राशि की बात कर लेते हैं, इस राशि पर किस तरह से असर पड़ रहा? धनु राशि पर भी सप्तशती चल रही है, सप्तशती कारण ग्रहण का प्रभाव सर्वाधिक इस राशि पर देखने को मिल सकता है। जो फेफड़ों से, मानसिक रोगों से जुड़े लोग हैं, हृदय रोग से जुड़े हैं और पेट की रोग,
ये सारी इन सब स्थितियों में गिरावट हो सकती है, जो पहले से चली आ रही बीमारियां गिरावट हो सकती है। संपत्ति की बिकवाली का योग साठ सती के कारण, व्यापार में धन हानि की आशंका, आदित्य हृदय सूत्रम का पाठ अवश्य करें। ये उपाय के रूप में आदित्य हृदय सूत्रम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ना जानते हो तो विद्वान ब्राह्मण से 351 पाठ शुरू कराएं। दोपहर 11 से 3 बजे के बीच में ओम घणी सूर्याय आदित्य ओम का यथाशक्ति जाप करें। रुद्राक्ष की माला से 5 माला जरूर करें। नवरात्र के दौरान भी मंत्रों का जाप करते रहें। लग्न में यदि आपका धनु है तो नवरात्र के पहले दिन माणिक्य और पीला पुखराज धारण करें तथा अनुलोम विलोम योग क्रिया करते रहें। नौमुखी रुद्राक्ष भी धारण करें जो दुर्गा का रुद्राक्ष है। चलिए बात हो गई वृश्चिक राशि की, धनु राशि की, अब ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं मकर राशि की। जी, मकर राशि में राजनीति, नौकरी, विदेश व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में अत्यधिक लाभ के योग बने। मान सम्मान में वृद्धि के योग है। पैतृक संपत्ति व अन्य स्रोतों से धन लाभ हो रहा है। जिनका विवाह हुआ नहीं है उनका विवाह तय होने का समय है। लोहे संपत्ति से जुड़े व्यापार में लाभ के शुभ योग हैं। लग्न में मकर यदि आपका है तो नीलम और हीरा धारण करने का उत्तम दिन है। कुछ उपाय करें। ओम प्राम प्री प्रसा शनि नमा तथा ओम क्लीं कृष्णाय नमा, इनके 3-3 माला का जाप ग्रहण के दौरान करें। मंत्रों का जाप आप निरंतर नवरात्र के दौरान भी करते रहें। चलिए बात करेंगे बाकी बची हुई दो राशियों की, लेकिन वक्त हो चला है एक्चुअली से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की जो पड़ने वाला है 20 मार्च को, हालांकि भारत में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन राशियों पर इसका असर जरूर हो रहा है। बात करेंगे अब कुंभ राशि की और मीन राशि की, क्या असर पड़ने वाला है। जी, कुंभ राशि पर द्वितीय भाव में असर पड़ने से पेट, गले, नेत्र रोगों के कारण परेशानी हो सकती है। भाषा आपकी खराब हो सकती है। नौकरी, व्यवसाय और तनाव के चलते पारिवारिक शांति को भी खतरा होता है। प्रेम, व्यापार, शेयर मार्केट और जुए सट्टे के कारण जो ये जुड़े इन क्षेत्रों में कानूनी मामले और इनसे जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय के रूप में दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप करें। पुरुष सूक्तम का जाप भी आप शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हुए, इस क्रिया को करते हुए करें। महामृत्युंजय मंत्र के 5 माला का जाप इस दिन करें। लग्न भी कुंभ होने पर नीलम, लहसुनिया और 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। जी, मीन राशि। जी, मीन राशि पर भी लगन में ही ये ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए पेट की एलर्जी और पेट के रोग, नेत्र और हृदय रोगियों को अचानक परेशानी का समय बन जाता है। नशे व अनैतिक आचरण की ओर आपका झुकाव हो सकता है, मन हो सकता है, उससे समस्या होती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता विद्यार्थियों का। ईश्वर के प्रति आस्था में गिरावट होती है। ग्रहण में मंगल के फंसे होने के कारण देसी घी, केसर और हल्दी के दूध के मिश्रण से 51-51 बार शिवलिंग का अभिषेक करें, ये उपाय है। तथा ओम अंगिरासाय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्, गुरु गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष अथवा हल्दी की माला से पीले वस्त्र धारण कर 5 माला जाप 151 दिन तक करते रहें। नवरात्र में माँ बगलामुखी का पूजन करें। लग्न में मीन होने पर पीला पुखराज और मूंगा दोनों रत्न धारण करें। रक्तचाप यदि है तो आप मूंगा धारण ना करें। यानी कि सूर्य ग्रहण से सावधान होने की जरूरत है, लेकिन घबराइए नहीं क्योंकि उपाय आपको कौशल जी ने बता दिए हैं। ये उपाय बेहद आसान है, इसे अपनाइए और सूर्य ग्रहण से अपने आप को आप बचा सकते हैं, ताकि इससे जो प्रभाव पड़ रहे हैं आपके जीवन में या फिर जो बदलाव आ रहे हैं उससे आप बच सकें। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज।